मराठों को जेर कर दिया गया था। बीजापुर की सल्तनत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। अब गोलकुंडा की तरफ तवज्जा दी गई। गोलकुंडा का हाकिम उन दिनों एक शख्स अबुल हसन था। ये बड़ा अय्याश, ऐशो इशरत का दिल दादा और शराबों कबाब का बड़ा रसिया था। उसने हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां अपने एक ब्राह्मण वजीर के सुपुर्द कर दी थी और खुद महल में बंद होकर वो हर वक्त अपनी दाश्ताओं और रक्कासाओं के झरमट में ऐशो इशरत में मशगूल रहता था। चुनांचे उसकी हुकूमत का इक्तदार अमलन दो अशखास, मदना और उसके भाई आकना और भतीजे रुस्तम राव के हाथों में थे। नतीजा ये निकला कि उन तीनों की वजह से हर तरफ बदउनवानियां फैलने लगी, इसलिए कि अबुल हसन की तो हुकूमत की तरफ तवज्जा ही नहीं थी। मजीद ये कि उसने औरंगजेब के खिलाफ मराठों के साथ इत्तेहाद कायम किया हुआ था। आखिर गोलकुंडा वालों को सबक सिखाने के लिए जुलाई 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने बेटे शाह आलम को हमलावर होने के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते ही में शाह आलम के लश्कर को दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा। गोलकुंडा के लश्कर ने 2 माह तक शाह आलम को रोके रखा। आए दिन दोनों लश्करों में झड़पें होती रही। इस तरह शाह आलम अपने लश्कर के साथ हैदराबाद की तरफ पेशकदमी न कर सका। उन दिनों मौसलाधार बारिशें भी शुरू हो गई, जिससे मुगलों के लश्कर की मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। गोलकुंडा वालों की बदकिस्मती के उनके सिपे सालार एक शख्स मोहम्मद इब्राहिम था। उसने जब देखा कि बीजापुर और गोलकुंडा की हुकूमतें मराठों के खिलाफ औरंगजेब का साथ देने के बजाय औरंगजेब के खिलाफ काम कर रही है और मराठों का साथ देती रही है, और अब वो खुलकर औरंगजेब का मुकाबला करना चाहती है, तब उसने अपनी वफादारी तब्दील की और गोलकुंडा की हुकूमत का साथ छोड़कर वो औरंगजेब के बेटे शाह आलम के साथ जा मिला। शाह आलम आगे बढ़ा और 7 फरवरी 1687 ईस्वी को उसने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गोलकुंडा के हुक्मरान अबुल हसन पर जर्ब लगाने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी गई। औरंगजेब आलमगीर वक्त जाये किए बगैर अबुल हसन को अपने सामने जेर करना चाहते थे। दूसरी तरफ एक और तब्दीली रूनुमा हुई। शहजादा शाह आलम फितरी तौर पर एक नर्म दिल इंसान था। उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए अबुल हसन के आदमियों ने उससे राबता कायम किया। शाह आलम को एक भारी रकम रिश्वत में देने का वादा किया और उससे ये इल्तिजा की गई कि वो अपने बाप औरंगजेब आलमगीर पर दबाव डालकर अबुल हसन को माफी दिलवा दे। दूसरी तरफ औरंगजेब के मुखबिर भी काम कर रहे थे। उस खुफिया कार्रवाई की इत्तला उन्होंने औरंगजेब को कर दी। ये खबर मिलते ही औरंगजेब ने अपने बेटे शाह आलम और उसके तमाम कुंबे हत्ता के मुलाजिमों को भी 3 मार्च 1687 ईस्वी को कैद कर लिया और उसे 7 साल के लिए नज़रबंदी के हालत में रखने का हुक्म दे दिया। अब औरंगजेब आलमगीर और उनके एक सालार रूहुल्ला ने जोरों शोर से गोलकुंडा वालों पर हमलावर होना शुरू कर दिया, लेकिन मुहासरा जारी था कि मुगल लश्कर में इर्द गिर्द से खुराक न मिलने की वजह से कहत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। इसके अलावा जून का महीना आ गया और जबरदस्त बारिशें शुरू हो गई। अब एक तरफ कहत था, दूसरी तरफ लगातार और मौसलाधार बारिशों की वजह से मुगलों का पड़ाव एक झील की सूरत इख्तियार कर गया था। इस सूरत हाल से गोलकुंडा वालों ने फायदा उठाया और बार बार वो पेशकदमी करते हुए औरंगजेब के लश्कर पर हमलावर होते हुए उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उन हमलों के दौरान कहते हैं औरंगजेब के तोपखाने का सरबरा गैरत खान और 14 दीगर सालार दुश्मन की कैद में चले गए। उन हमलों की वजह से औरंगजेब आलमगीर की कुछ बैरूनी चौकियों को भी नुकसान पहुंचा।
कहते हैं उन जंगों के दौरान औरंगजेब आलमगीर ने ऐसी शुजाअत, ऐसी दिलेरी और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया कि जिस वक्त दुश्मन अपनी तोपों से गोले दागते तो कई गोले वहां आकर गिरते जहां औरंगजेब अपने पड़ाव में खड़े हुए थे। लेकिन उस गोलाबारी का औरंगजेब ने कोई परवाह ना की और बराबर और लगातार अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाते रहे। जब बारिशों का सिलसिला तवील हो गया तब औरंगजेब ने अपने लश्कर को थोड़ा सा पीछे हटा लिया ताकि बारिशों के खत्म होने का इंतजार करे। बारिशें खत्म होने के बाद औरंगजेब ने फिर अपने हमलों और अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी थी और इस बार उन्होंने इस शिद्दत और सख्ती के साथ हमले शुरू किए कि 12 अक्टूबर 1687 ईस्वी को औरंगजेब आलमगीर ने गोलकुंडा को फतह कर लिया। कहते हैं शहर में सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर के सालार रूहुल्ला दाखिल हुआ। उसने शहर का सदर दरवाजा खुलवा दिया और दरवाजे खुलते ही पूरा लश्कर शहर में दाखिल हुआ। गोलकुंडा के हुक्मरान अबुल हसन को कुतुब शाही हुक्मरान भी कहा जाता था। उसने जब देखा कि अब पानी उसके सर से गुजर चुका है और किसी भी सूरत वो औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने तख्त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ऐसा न भी करता तब भी उसे शिकस्त हो चुकी थी और वो गिरफ्तार कर लिया जाता। आखिर औरंगजेब के सालार रूहुल्ला ने अबुल हसन को गिरफ्तार करके औरंगजेब के बेटे शहजादा आजम के हवाले किया और शहजादा आजम ने उसे औरंगजेब के सामने पेश किया। बीजापुर के हाकिम की तरह औरंगजेब आलमगीर ने उसे भी दौलताबाद के किले में नज़रबंद कर दिया और 50,000 सालाना उसकी पेंशन मुकर्रर कर दी। औरंगजेब आलमगीर ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते हुए जहां मराठों को जेर किया वहां उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को भी अपने सामने जेर करते हुए उन्हें अपना मोती और फरमा बरदार बना लिया था और वो इलाके एक तरह से अपनी ममलिकत में शामिल कर लिए थे। हालात फिर अपने आप को दोहराने लगे थे जिस वक्त औरंगजेब माजी में मराठों के साथ जंगों में मसरूफ थे। बीजापुर और गोलकुंडा वालों ने ताकत और कुवत में इजाफा करके उनके खिलाफ हरकत में आना शुरू कर दिया और अब जब उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा वालों को अपना मोती और फरमा बरदार बनाया, उन्हें शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उन कार्रवाइयों के दौरान मराठों ने ताकत और कुवत पकड़ ली। जब तक औरंगजेब आलमगीर बीजापुर और गोलकुंडा के साथ जंगों में मसरूफ रहे मराठे लगातार अपनी ताकत में इजाफा करते रहे, साथ ही आसपास के इलाकों में लूटमार करते हुए अपने लिए दौलत के अलावा बाज़ ज़रूरियात का दूसरा सामान भी इकट्ठा करते रहे।